सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़े कुछ लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिस को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने पहली अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है अपने अमित आगरे भाई के बारे में। हालांकि वो इस साल तो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मिस्टर ओलंपिया में ड्यू टू वीज़ा इशू, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है। बट फिलहाल में गाइज उन्होंने अपना एक लैग का अपडेट शेयर किया था, जो कि यहाँ पे गाइज आप लोग उनके क्वाड्स देख सकते हो। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि मेंस फिजिक में लोअर बॉडी उतने मायने नहीं रखती, बट क्वाड्स का जो साइज़ है वो नोटिस किया जाता है। एंड हमने अमित आगरे भाई का जो भारत प्रश्नो के टाइम पे लास्ट लेग्स का साइज़ देखा था, उससे ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। डिटेलिंग अब हम लोग को शो होती नज़र आ रही है उनके लेग्स में। इससे ये पता चलता है कि इस प्रैप के दौरान उन्होंने डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट किया है अपने फिजिक के ऊपर। आने वाले टाइम के अंदर उनकी जब कंप्लीट अपडेट मिलेगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। फिलहाल के लिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है जीजो जोन भाई के बारे में। तो जीजो जोन भाई अपने ऑफ सीजन को कर रहे हैं एंड क्वालिटी मसल, जो कि उनके इस ऑफ सीजन का टारगेट एंड एम रहने वाला है। आप लोग नोटिस कर सकते हो गीजो जोन भाई के चेस्ट एंड शोल्डर पर साइज डेफिनेटली हम लोग को इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। एंड कैप्शन से हम लोग को वो बताते हैं कि 11 वीक्स आउट, यानी कि 11 वीक्स अभी और बाकी हैं उनको इस ऑफ सीजन के लिए। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि 11 वीक्स के अंदर, ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर, वो कितना इम्प्रेसिव साइज गेन कर लेंगे एंड कितने अच्छे क्वालिटी मास गेन कर लेंगे। एंड वही उनको सिर्फ करना है। गीजो चुन भाई का साइज ही उनका एक माइनस पॉइंट रहती है अदरवाइज, जो कंडीशनिंग फैक्टर लेके आते हैं। एंड मैं तो कहना चाहूँगा पोजिंग उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता अपने इंडियन मैसेजिक लाइनअप में। तो बस साइज गेन होने के बाद में अपने गीजो चुन भाई एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। अब लेट्स सी, एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ उमेर वहमत भाई के बारे में। तो अब 1 वीक बच्चे हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए एंड उनका जो पीक वीक है वो चालू हो चुका है। एंड पीक वीक लुक उनका कैसा है वो गाइज अब आप लोग देख सकते हो। अपने उमेर वहमत भाई धीरे धीरे एक हार्डकोर कंडीशनिंग को रिप्रेजेंट करते नज़र आ रहे हैं। उनकी बैक तो ऑलमोस्ट परफेक्ट आप लोग को नज़र आएगी। कोई कह नहीं सकता कि उनकी बैक को अभी ये करने की ज़रूरत है या फिर कोई कमी रह गई है उनकी बैक में। हालांकि उनका जो ओवरऑल साइज़ इंक्रीज होगा तो उनकी बैक में और भी थिकनेस ऐड होती नज़र आएगी, वो तो टाइम के साथ ही हो पाएगा। बस फ्रंट साइड से उनका मिड सेक्शन और ज़्यादा टाइट होता, जो कि उनके एक टाइटी वेस्ट के साथ में काफ़ी मैच करता है, काफ़ी अच्छा लगता तो काफ़ी अमेजिंग एंड एक बढ़िया पैकेज उनका निकल के आता। वेल, अब देखते हैं फाइनल पैकेज उनका कैसा रहता है। फिलहाल के लिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अब डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वैन क्यूल के बारे में। तो वैन क्यूल भी अपना 1 वीक्स आउट एंड पीक वीक मिस्टर ओलंपिया का जो फर्स्ट डे का अपडेट है वो शेयर कर देते हैं। फ्रंट एंड बैक आप लोग दोनों देख सकते हो, वैन क्यूल कितना कंप्लीट अभी लग रहे हैं। पहले उनकी बैक वो थिकनेस ऐड नहीं होती थी, जो डिटेलिंग है वो उतना ज़्यादा शो करते नज़र नहीं आते थे सो डे वाले दिन। बट फिलहाल में गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्रिस्प, कितनी ज़्यादा ड्राई हार्ड कंडीशनिंग के अंदर, एंड मैं बोलना चाहूँगा टॉप नॉच कंडीशनिंग के अंदर अभी भी हम लोग को वो नज़र आ रहे हैं। एंड 5 डेज ऑलमोस्ट आप लोग मान सकते हो इस फिजिक को और भी ज़्यादा ड्राई एंड हार्ड करने के लिए। बाकी आप लोग क्या लगता है वैन क्यूल कैसा परफॉर्म करेंगे कमेंट करके बताना। एंड फिलहाल में हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है हंटर लब्राडा के बारे में। तो हंटर लब्राडा काफ़ी इम्प्रूवड हैं, एंड इम्प्रूवड हैं फॉर व्हाट, इन टर्म ऑफ कंडीशनिंग। भाई कंडीशनिंग का जो फैक्टर इस बार हम लोग को हंटर के फिजिक में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अमेजिंग है। सबसे ज़्यादा जो उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है वो है उनके मिड सेक्शन के ऊपर। पहले जो मिड सेक्शन एकदम वर्स्ट आउट लगता था, एंड जिस पोजेस में मिड सेक्शन अगर विजिबल है उनके वो पोजेस को ही ख़राब कर देता, बट अभी आप लोग देख सकते हो हंटर कितना कंप्लीट लग रहे हैं। उनकी बैक, उनकी हैमस्ट्रिंग, उनके ग्लूट्स, एकदम परफेक्ट पैकेज अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि उनके लोअर बैक और भी स्ट्रांग हो सकती थी, बट ज़्यादातर हमने उनकी लोअर बैक ऐसे ही देखी है, सो ये जेनेटिकली भी हो सकता है। बाकी आप लोग को हंटर लब्राडा का ये जो पैकेज है एंड इस साल के जो हंटर हैं वो आप लोग को कितने इम्प्रूव्ड लगे हैं उनके प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेरिजन करें तो। एंड ऑल्सो हंटर का जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोज है
जो कि है एब्डोमेन एंड थाई एंड मोस्ट मस्कुलर, उसमें उनका मिड सेक्शन भाई पहले के मुकाबले काफ़ी साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं उस स्टेज पर वो कैसा पैकेज लेके आएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं एक शॉकिंग अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है निक वॉकर से। अब तक आप लोग को पता लग ही गया होगा कि निक वॉकर हम लोग को इस साल मिस्टर ओलंपिया के अंदर कॉम्पीट नहीं करते नज़र आएंगे। एंड ये कंफर्मेशन की है उनके कोच ने हम लोग को रिसेंट में बताया कि निक वॉकर प्रीवियस ईयर हैमस्ट्रिंग की वजह से नहीं आए थे, बट इस ईयर उनकी बॉडी फुल रेस्पॉन्स कर ही नहीं रही जैसे कि वो प्रीवियस ईयर कर रही थी। तब हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से नहीं कर पाए थे वो, लेकिन इस बार वो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर एंड वीक फील कर रहे हैं अंदर से, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट सेशन भी वो उतना अच्छे नहीं जा रहे थे जितना कि पहले। एंड इसी के चलते यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम से हो रहा है तो निक और ज़्यादा खुद को पुश नहीं कर पा रहे। एंड यही एक मेन रीज़न है कि निक इस साल के मिस्टर ओलंपिया में 100 जीतने के बाद वो मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए नहीं आ रहे। अब निक नेक्स्ट ईयर जब भी कॉम्पीट करने आएंगे उससे पहले उनको फिर से एक प्रो शो जीतना पड़ेगा। वेल, अब आप लोग क्या थॉट्स हैं इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है मैथ्यू क्रीगो के बारे में। तो मैथ्यू भाई उन्होंने एक ईयर के अंदर लिटरली प्रीवियस ईयर से अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट करी है। रिसेंट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी वन ईयर की इमेज भी डाली थी जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रही थी एंड एक मोटिवेशनल कर देने वाली इमेज थी। एंड हाल ही में आप लोग देख सकते हो मैथ्यू क्रीगो कितने अमेजिंग नज़र आ रहे हैं, कितने फ्रीकी नज़र आ रहे हैं, एकदम क्लासिक लाइन एंड वो टाइटी वेस्ट आप लोग देखो। हालांकि अभी उनको और भी साइज गेन करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से अभी क्लासिक डिवीज़न का कंपटीशन चल रहा है, जितना कॉम्पिटेटिव लाइनअप है क्लासिक डिवीज़न का उस हिसाब से उनको अभी थोड़ा सा मसल मास और एड ऑन करने की ज़रूरत है। उनके शोल्डर और भी ज़्यादा ब्रॉड होंगे, उनके चेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, उनकी लोअर बॉडी और भी ज़्यादा फुलर आएगी, तो डेफिनेटली वो एक क्लासिक डिवीज़न के अंदर एक नामी चेहरा बन जाएंगे। वेल, अब देखते हैं इस साल कैसा परफॉर्मेंस करते हैं मैथ्यू क्रीगो। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाली है माइकल क्रीगो के बारे में। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है रिसेंट में उनकी लेफ्ट शोल्डर की इंजरी हुई थी एंड उसकी सर्जरी भी करके वो वापस भी आ गए। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिसेंट में ही वो कैप्शन डालते हैं बैक डे बेबी, यानी कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही अपनी जिम एंड वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो वो अपने जिस शोल्डर में इंजरी हुई थी उसको ही फ्लैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है वो बहुत ही फास्ट रिकवरी कर चुके हैं एंड हाल ही में उनको वर्कआउट करते हुए हमने देखा था वो अपनी आर्म्स ट्रेनिंग कर रहे थे जो कि उनका सबसे ज़्यादा वर्कआउट ही आर्म्स ट्रेन करने का होता है। ऑलमोस्ट वन डे का गैप करके वो अनदर डे आर्म्स ट्रेन करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि वो फुली रिकवर्ड नहीं हुए हैं, वो रिकवर कर रहे हैं तो अभी उतना हैवी ट्रेन तो वो खुद को नहीं कर रहे होंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा उनका। तो गाइस आज के लिए तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर जो चैनल पे पहली बार आए तो बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस।